तो हेलो एवरीवन, बहुत सारे स्टूडेंट का अब जो नीट 2021 का रिजल्ट आउट हो गया और उसके बाद वो समझ चुके हैं उसके जो रैंक है उसी के बेसिस पे कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मैं इस वीडियो में पार्टिकुलरली बात करूँगा, जो भी स्टूडेंट नीट 2021 में सिलेक्शन नहीं होगा वो नीट 2022 के प्रिपरेशन कर सकते हैं या नीट के जो ट्रैक है ये ट्रैक बदल कर अलग कुछ कर सकते हैं या BSc हो या जो भी है करेगा। तो जो स्टूडेंट नीट 2022 में पार्टिसिपेट करेगा ऑब्वियसली स्टूडेंट का मार्क्स होगा 300 या 450 टू 500 के बीच में अगर नंबर है तो आप तो MBBS तो आपका नहीं मिलेगा गवर्नमेंट सीट पे। मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? हो सकता है आप कुछ प्राइवेट कॉलेज में हो सकता है, वो भी बहुत सारे पैसे लगेंगे आपको। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चा। और अगर ड्रॉप लेना भी चाहते हो तो ड्रॉप लेने के लिए आपका जो है फास्ट डेडिकेशन से आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, नहीं तो अब जो कंपटीशन है बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है इस लॉकडाउन के बाद ही। तो आप देखोगे पहले इतना नंबर तो नहीं ज़्यादा था, पर अभी जो है नीट 2020 एंड 2021 में लगभग कट ऑफ सेम ही जाएगा। हो सकता है 5 to 5 नंबर अगर कम है तो भी आपका मिल जाना चाहिए। तो अगर आपका जो है नीट 2022 के प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो तो आपका जो मेन मिस्टेक्स है वो आपका नोट डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो मिस्टेक्स बोलूँगा वो तो सबके लिए कॉमन होगा, वही मैं बताऊँगा, पर आप खुद के बारे में ज़्यादा जानते हो इसलिए आपका मिस्टेक कहाँ रहा। टाइम मैनेजमेंट हो सकता है, क्योंकि नीट के लिए टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट होता है, जो आपको 180 क्वेश्चन करना होगा 180 मिनट में, पर नीट 2021 में क्या हुआ 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी था और सेक्शन बी में जो क्वेश्चन था वो थोड़ा लेंथी भी था। अगर आप पेपर देखे हो या नीट 2021 में बैठे हो तो आप जरूर मेरे साथ सहमत होगे। तो जो है आपका और एक बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कि फिजिक्स आपका क्वेश्चन नहीं बन पाता और बायो एंड केमिस्ट्री में हो सकता है आपका सिली मिस्टेक हो सकता है। अगर सिली मिस्टेक ज़्यादा हो तो आपका यहाँ पे भी नीट के सिलेक्शन रोक सकता है। और भी है एग्ज़ाम अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी, इसी के बारे में और एक डेडिकेटेड वीडियो में इस चैनल पे ही लाऊंगा। तो अगर आप नए हो तो चैनल के सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि चैनल भी नया ही है, ज़्यादा वीडियो नहीं मैं अपलोड हुआ है, फिर भी नीट बायोलॉजी के पॉडकास्ट फॉर्मेट में 2-4 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो आप वो चैनल वीडियो चेकआउट कर सकते हो। आई थिंक वो वीडियो आप 1.5x पर देखोगे या 1.5x पर देखोगे तो आपका फ़ायदा भी होगा, और 20 मिनट्स या 25 मिनट्स पे आप एक चैप्टर के रिव्यू भी ले सकते हो। और आप जब ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो या लेज़र टाइम पे बैठे हो तो आप वो वीडियो आप वहाँ पे जो पॉडकास्ट फॉर्मेट में वीडियो अपलोड किया हुआ है वहाँ से फ़ायदा उठा सकते हो। उसके बाद जो है और एक बड़ा मिस्टेक है बहुत सारे स्टूडेंट और ये जो है जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स है वो ज़्यादा इस मिस्टेक में पड़ता है कि ज़्यादा फोकस करता है अदर देन NCERT। पर आप देख रहे हो 2019 से ज़्यादातर जो पेपर नीट के हो रहा है मोर देन 95% आपका NCERT ओरिएंटेड हो रहा है, इसलिए आप जितना भी NCERT पढ़ोगे उतना ही आपके लिए नीट क्लियर करना बेहतर होगा। और जो है आप कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छा रहना होगा, क्योंकि आप कंपटीशन के बारे में समझ सकते हो कितना कंपटीशन आ गया है पर्टिकुलरली इस नीट में। तो आपका जो है ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं लगा, क्योंकि आपका जो है मेरा जो लगता है नीट के लिए आपका जो है कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, कंटिन्यूटी रखना पड़ेगा। और जो है NCERT आपका जो कोर बुक होना चाहिए वो है NCERT, उसके साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपका फर्स्ट प्रेफरेंस में आना चाहिए एग्जाम्पलर और PYQ एंड उसके साथ साथ आपका शॉर्ट नोट भी तैयार करना होगा, क्योंकि ये जो है शॉर्ट नोट आपका जो लास्ट मंथ होगा लास्ट मंथ या लास्ट टू मंथ में बहुत काम आएगा, क्योंकि तब आप पूरे के पूरा सिलेबस जो है नहीं पढ़ पाओगे। और क्वेश्चंस के बारे में बोले तो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी हर चैप्टर में आपका जो है लगभग 200 to 250 क्वेश्चंस अगर करोगे तो ये इनफ होगा, क्योंकि इसके साथ साथ आप अगर ज़्यादा भी क्वेश्चंस कर लेते हो तो बाद में इस क्वेश्चंस को आप नहीं देख पाओगे, मेरा मतलब है आप रिविजन नहीं लगा पाओगे, और रिविजन भी नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। और ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस मत करना, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो इंस्टेंटली आपका अच्छा लगेगा, क्योंकि क्वेश्चंस बन जाएगा आपका अच्छा लगेगा पर बाद में आपका रिवाइज नहीं कर पाओगे। और फिजिक्स के पूरे स्ट्रेटजी के ऊपर मैं इस चैनल पे ही एक अच्छा डेडिकेटेड वीडियो अपलोड कर रखा है, उस वीडियो देख के फिजिक्स में आप अच्छा मार्क्स ला सकते हो। और जो है नेक्स्ट है आपका कंप्लीट योर सिलेबस, आपका सिलेबस कंप्लीटेशन के ऊपर ध्यान दें और उसके बाद जितना रिवाइज करोगे और उसके साथ साथ टेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी है। और आप जो है हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक टेस्ट आप दो, और जब नीट से पहले 3 मंथ्स
जब होगा तब आप हर हफ्ते में एक टेस्ट दोगे जो फुल लेंथ टेस्ट होगा वो, और लास्ट दो मंथ में आप 3 डेज या 4 डेज अल्टरनेटिव पे टेस्ट दे सकते हो। और एग्जाम स्ट्रैटेजी के ऊपर भी एक वीडियो अपलोड किया जाएगा इस चैनल पे, तो स्टे ट्यून्ड।